वैशाली नगर थाने के जाट कॉलोनी इलाके में रिटायर्ड फौजी के सूने घर को चोरों ने अपना निशाना बनाकर नकदी व सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर लिया। पीड़ित मकान मालिक की शिकायत पर वैशाली नगर थाने में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना पुलिस की टीम ने घटनास्थल का जायजा लेकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस को दी शिकायत में मकान मालिक सुरजीत ने बताया कि उनकी पत्नी बाड़मेर में सरकारी टीचर है। अपने बच्चों के साथ वह पत्नी से मिलने बाड़मेर गए हुए थे। घटना के वक्त भाई भी घर से बाहर गए हुए थे। घर सूना और ताला लगा था। वापस लौटने पर घर में चोरी होने का मालूम चला। घर आकर देखा तो मकान के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला और कमरों में सामान भी बिखरा हुआ था। जांच की तो अलमारी में रखा लैपटॉप का बैग व उसमें रखी करीब 74,000 की नकदी सहित अन्य घरेलू सामान भी चोरी मिला। घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, हम मेरी वाइफ जॉब करती है बाड़मेर में और मैं होली के बाद 26 तारीख को मैं बाड़मेर निकला था, मैं और मेरा लड़का। तो घर में मेरा भाई रहता था और बीती रात मतलब चार रात को और 5 की सुबह मेरा भाई जब घर पे आता है तो सुबह देखता है कि गेट पे तो ताला, मेन गेट पे ताला लगा हुआ था और जो मतलब जो घर में मेन डोर है उसमें ताला टूटा मिला और जो हमारी अलमारी है दोनों कमरे में वो टूटी मिली। और तब भैया ने मुझे फोन किया कि यहाँ पे चोरी हो चुकी है और हमारे पैसे रखे हुए थे 55,000 मेरे थे और 18,000 मेरे भाई के बैग से गए जिसमें लैपटॉप भी था और लैपटॉप छोड़ दिया और पैसे लेके चले गए। टोटल कितने पैसे थे? टोटल हो गए आपको 55,000 और 19,000 भाई के गए हैं तो 73,000 हो गए। लैपटॉप को चोरी हुआ सामान? नहीं, लैपटॉप छोड़ के चले गए, सामान कुछ नहीं ले गए, खाली पैसे लेके चले गए और सामान पूरा व्यस्त व्यस्त करके चले गए। कहाँ के निवासी हुए थे आप? हम यही 242 जाट कॉलोनी उदनपुरी में रहते हैं। 5 या 6 साल हो गए हमको यहाँ पे। वैसे गांव कौन सा आपका? वैसे गांव हमारा उत्तराखंड है, पुराना उत्तराखंड में। क्या काम करते हैं? मैं तो बहुत से रिटायरमेंट हूँ, 2 या 3 साल।